सिवनीमालवा में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना संक्रमित मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा होने के कारण ऑक्सीजन के सिलेंडर की खपत बढ़ गई है। संक्रमित मरीजों की परेशानी को देखते हुए शहर के जागरूक नागरिक, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि भी इस महामारी जंग को जीतने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और पिछली बार की तरह भी इस बार भी नगर की जनता की सेवा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पिछली बार भी कोरोना काल में दूर दराज से लोगों को घर पहुंचाने का काम हो या फिर सभी के सहयोग से चलाने वाले जनता रसोई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले समाजसेवी पिछली बार की तरह इस बार भी इस बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर के प्रबुद्ध लोग अब कोरोना वायरस को हराने के लिए बीड़ा उठाए हुए हैं और शहर के व्यवसायी प्रवीण अवस्थी, प्रवीण पाणिकर और संतोष पारिक सहित उनके साथियों ने मिलकर 13 ऑक्सीजन सिलेंडरों को सिवनी मालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिया है ताकि मरीजों को ऑक्सीजन के समय पर उपलब्धता कराई जा सके और संक्रमित मरीजों की परेशानी को देखते हुए व्यवसायियों के द्वारा लगातार ऑक्सीजन के सिलेंडरों की व्यवस्था की जा रही है। कोविड सेंटर में ऑक्सीजन नहीं होने के कारण सांस लेने में दिक्कत आने वाले मरीजों को हरदा होशंगाबाद रेफर किया जा रहा था और अब ऑक्सीजन सिलेंडर का 30 बेड वाला सेंटर बनाया जाएगा जिसकी वजह से मात्र ऑक्सीजन के लिए मरीजों को बाहर न भेजा जाए, जिसकी सराहना पूरे क्षेत्र में की जा रही है। शहर के समाजसेवी संतोष पारिक एवं उनके साथियों ने मिलकर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की है। तो वहीं किराना संघ के द्वारा 2 ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर मशीन सिवनी मालवा अस्पताल में दी गई है, जिसमें से एक मशीन संघ के संरक्षक एवं समाज सेवी रिंकू जैन द्वारा एवं एक किराना संघ के द्वारा एक गर्म पानी की मशीन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र जैन द्वारा प्रदान की गई है। तो वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री कमल पटेल के दामाद यशवंत पटेल द्वारा भी एक ऑक्सीजन मशीन देने का निर्णय लिया गया है। कोरोना वायरस को हराने के लिए उतरे इन समाज सेवियों की नगर में भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। वर्तमान में ऑक्सीजन की जो समस्याएं चल रही हैं उसको देखते हुए किस प्रकार के प्रयास शहर में किए हैं? ये कोविड की महामारी विकराल रूप ले रही है। हमारा सिवनी मालवा छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन हम विगत 8-10 दिन में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हम हमारे यहाँ से पेशेंट को हरदा, होशंगाबाद, भोपाल रेफर करते हैं। ऑक्सीजन की एम्बुलेंस हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उसके कारण अभी हमारे ध्यान में आया कि भाई प्रवीण अवस्थी हमारे मित्र हैं, उनके पास लगभग 35-40 बड़े बड़े बाटले ऑक्सीजन के जो वो अपने कमर्शियल यूज़ करते थे, तो उनके पास 10 भरे बाटले और बाकी खाली बाटले हैं। अभी मेरे मोहल्ले में ही आवश्यकता लगी थी, तो मैं अभी 4-5 दिन पहले उनसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर गया था और मैंने अपने मोहल्ले में जो बंधु है उनको बराबर ऑक्सीजन की व्यवस्था जमाई। तो हमारे ध्यान में आया क्यों ना हम सांसें बचाओ अभियान प्रारंभ करें, और उसके लिए हमने अवस्थी जी से आग्रह किया तो उन्होंने अपने आके बाटले हमको, तो मंडीदीप से हम उनको खाली बाटलों को भरवा कर ऑक्सीजन हम यहाँ बुलवा रहे हैं। या हमने SDM साहब से, तहसीलदार साहब से, पंडिकर जी हमारे मित्र हैं उनसे हमारी बात हुई है, तो हमने यहाँ पर चर्चा करी है। तो अस्पताल में हम 10 बेड का ऑक्सीजन का हम बेड बना रहे हैं ताकि छोटी छोटी ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमको बाहर ना भेजना पड़े और कोई हमारा अपना परिजन हमसे बिछड़ ना पाए, उसकी हम चिंता यहाँ कर रहे हैं। और उसमें हमने आग्रह किया, 2300 रुपये का एक वो उसका रेगुलेटर आ रहा है, तो हमने जब ये आग्रह विनय अग्रवाल जी यहाँ पर जो राकेश सेठ जी परिवार के हैं उनसे आग्रह किया तो उन्होंने 15 जो यूनिट हैं वो उन्होंने अपनी तरफ से देने के लिए उन्होंने राशि हमको दिए। 1-2 यूनिट की हमारे नितेश अग्रवाल जी जो हैं संतोष मशीनरी वाले अपने उनकी तरफ से उन्होंने हमको दिए। एक अपने हजारीलाल रघुवंशी अपने जो है हजारीलाल जी हैं गुजर उनकी तरफ उन्होंने दिया। एक हमारे महेंद्र भाई सिनो के भाई जो हैं सेलेन सिनो एक उन्होंने हमको उसकी राशि दी है। एक प्रभात मेडिकल स्टोर वालों ने राशि दी है, 2000 रुपये की राशि हमको पंकज सोनी जी की तरफ से प्राप्त हुई है। इस प्रकार हम समाज के सहयोग से हमने आज 20 जो ऑक्सीजन के बेड की व्यवस्था, मतलब हम 20 लोगों को ऑक्सीजन दे सकते हैं और ये रिफिलिंग भी हम करेंगे, अगर खाली होंगे तो उनकी रिफिलिंग की व्यवस्था भी करेंगे। और ऐसा हम हमारे शहर के परिजनों की जान बचाने के लिए हम इस प्रकार का एक सहयोग हमको मिला है, सब लोगों का मैं आभार करता हूं, धन्यवाद देता हूं और इस प्रकार आने वाले समय में भी उनका हमको सहयोग बना रहे, धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिवनी मालवा से संतोष चंदेल की रिपोर्ट।